शादी होने के 9-10 महीने बाद घर में आती है चहल पहल, कैसे बना था ताजमहल? क्या आपको पता है? नहीं पता तो आज हम जानेंगे। आप सुने होंगे ताजमहल बनवाने के बाद लोगों के हाथ कटवा दिए गए थे, क्या यह सच बात है? और ताजमहल पर भूकंप का असर क्यों नहीं करता? ताजमहल कैसे, कब और क्यों बनवाया गया, इन्हीं सब के बारे में हम जानने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, ताजमहल विश्व का 7वां अजूबा है और इसको संगमरमर के पत्थर से बनवाया गया है, और इसको बनवाए थे शाहजहां, वो भी अपनी तीसरी बीवी की याद में, मुमताज महल की याद में। मुमताज महल के मृत होने के कारण शाहजहां एक सदमे में जा चुके थे और इन्हीं के ही याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया। मुमताज महल की डेथ हुई थी अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय, वो भी प्रसव पीड़ा के कारण। प्रसव पीड़ा का मतलब ये होता है जब माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, उस समय बहुत भयानक दर्द होता है, उसी को हम कहते हैं प्रसव पीड़ा। और उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इतने ज़्यादा अच्छे डॉक्टर नहीं थे, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई थी मुमताज महल की। और यह जो ताजमहल है, इसको प्यार का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि शाहजहाँ ने मुमताज के ही प्यार में यह ताजमहल को बनवाया था। इसीलिए जब वैलेंटाइन डे आता है, तब अपनी वाली का आप एक ठो डिब्बम बंद रहता है ताजमहल, उसको देते हो। क्यों? क्योंकि ये प्यार का प्रतीक है ताजमहल। और जब मुमताज महल की डेथ हुई थी, तब यह थे बुरहानपुर में, बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, और तब मुमताज को वहीं पर ही दफना दिया गया था। लेकिन जब शाहजहाँ ताजमहल को बनवाना स्टार्ट किए, तब मुमताज को यहाँ से इनके शव को निकाल कर ले आकर ताजमहल के बगल में एक ठो बगीचा है, वहाँ पर दफना दिया गया। लेकिन जब ताजमहल बनकर रेडी हो गया, तब मुमताज के वहां से शव को निकालकर जो ताजमहल का मुख्य गुंबद है उसके नीचे दफना दिया गया मुमताज महल को। और ताजमहल को बनवाना शुरू किया गया था 1631 में, और यह 22 साल में जाकर कंप्लीट हुआ था ताजमहल, और कंप्लीट हुआ था 1653 में। और इसको बनाने के लिए 20,000 से भी ज़्यादा लेबर और तो और कलाकार लोग लगे थे। कलाकार का मतलब ये, जैसा कि आप जानते हो ताजमहल पर कई अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं, तो वह कलाकार लोगों ने बनाया गया था, जिनको कि अलग अलग देशों से बुलाया गया था। और ताजमहल को उस समय बनवाने में 3 करोड़ रुपया लगा था, और अगर अब की बात कर लें तो अब बनवाएंगे अगर ताजमहल हूबहू उसी तरह, तो कई अरबों रुपए लग जाएंगे ऐसे ताजमहल को बनवाने में। और ताजमहल की कीमत इतनी ज़्यादा हाई फाई इसलिए थी क्योंकि ताजमहल में कई कीमती पत्थर लगवाए गए थे जिसकी कीमत बहुत हाई फाई थी। और इन पत्थरों का नाम कुछ इस तरीके से था, येमेनाइट, फेरोज़ा, लेजवाड, मोन्जा, सुलेमानी, तिलाई, और भी इसी तरीके से कई और पत्थर लगाए गए थे ताजमहल में जिनकी कीमत बहुत हाई फाई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पत्थर दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, और इन पत्थरों को लाया गया था कई अलग अलग देशों से, जिसके कारण ताजमहल की कीमत और हाई फाई हो गई थी। और अब आप सोचते होंगे, जब हम ताजमहल घूमने जाते तो हमें ऐसे कोनो पत्थर उत्थर नहीं दिखता है, नहीं तो आप ऐसे खोद लेते, लेक जीबीएम रख लेते और घर लेके आ जाते, बहुत अमीर हो जाते। ऐसा भैया इसलिए नहीं, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा अंग्रेज लोग सोचे थे। जब अंग्रेज लोग हम लोग पर राज किए थे, तब उन लोगों ने यह ताजमहल से कई कीमती पत्थर को निकाल लिया था और अपने देश में ले जाकर रख लिया। और जैसा कि आप देखते होंगे, अभी भी कई देशों में राजा महाराजा होते हैं और उनके मुकुट में जो ये सब पत्थर लगे होते हैं, वो सब ताजमहल के ही हैं, भारत के ही हैं, जो कि यहाँ से ले गए हैं। जैसा कि आप जानते हो, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहीं से जो अंग्रेज लोग थे वो लोग ट्रेन भरकर सोना ले गए हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ अंग्रेज देश अभी अमीर हो गए हैं, वो सब भारत की ही देन है। और अंग्रेजों ने सोचेंगे हमने पतन का उखाड़ लिया है, वो सब भारत की ही देन है जो अंग्रेज देश अभी अमीर हुए हैं। और तो और, जब अंग्रेज भारत में आए थे, तब उन लोगों ने ताजमहल को तोड़ने की कोशिश की थी, यह सोच करके कि अगर हम ताजमहल को तोड़ेंगे तो इसका जो कीमती पत्थर है संगमरमर का, अगर इसको हम बेचेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि शाहजहाँ ने यह संगमरमर का पत्थर भी कई अलग अलग देशों से मंगाया था, और यह पत्थर भी बहुत कीमती था, जिसके कारण जो अंग्रेज लोग थे वो ताजमहल को तोड़ने की कोशिश किए थे, लेकिन इसको किसी तरीके से रोका गया था और अभी तक ताजमहल बना हुआ है। लेकिन कुछ अंग्रेज जो थे वो थोड़े निक भी थे, कुछ अंग्रेज लोगों ने इस ताजमहल की रिपेयरिंग भी करवाई थी बीच में, जिसके कारण अभी भी ताजमहल अच्छा बना हुआ है। और जैसा कि आप जानते होंगे, जो कुतुब मीनार है वो दिल्ली में स्थित है और उसकी लंबाई है 72.5 मीटर, और ताजमहल आगरा में स्थित है और उसकी लंबाई है 73 मीटर, यानी कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ज़्यादा बड़ा है और 0.5 मीटर बड़ा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ताजमहल जाना घूमने तो इंजी टेप लग जाना, नाप लेना, थोड़ा बड़ा ही निकलेगा ताजमहल। अब जो ताजमहल है उसकी जो नींव बनाई गई है वो लकड़ी से बनाई गई है। नींव का मतलब ये होता है, जब घर बनाया जाता है तो नींव की ढलैया की जाती है सीमेंट की, लेकिन उस टाइम सीमेंट बना नहीं था जब ताजमहल बन रहा था। और सीमेंट का आविष्कार हुआ था 1824 में, और जो पहला सीमेंट बनाया गया था उस सीमेंट का नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और जब सीमेंट बनाया गया था वो तो 1824 में बनाया गया था, लेकिन जो ताजमहल है वो तो 1631 में बनना चालू हो गया था, यानी कि 150 साल पहले बन गया था ताजमहल। तो
जब सीमेंट था नहीं तो इसी के कारण जो बीम ढाली गई थी ताजमहल की, वो ढाली गई थी लकड़ी से, और यह लकड़ी जो थी बहुत मजबूत लकड़ी थी, और यह लकड़ी थी आबनूस पेड़ की जो लकड़ी होती है अगर उस पर नमी पड़ेगी तो वो और फौलादी और मजबूत हो जाती है लकड़ी। इसी कारण आबनूस पेड़ की लकड़ी की बीम ढाली गई थी ताजमहल की, और इसीलिए ताजमहल जो बनाया गया है वो यमुना नदी के किनारे बनाया गया है, ताकि यमुना नदी से पानी जो रहे रस रस के हमेशा नींव के जो वो जो पेड़ है, जो पेड़ की लकड़ी है उस पर हमेशा पड़ते रहे, जिसके कारण वो जो लकड़ी है वो अभी तक मजबूत फौलादी बनी हुई है, और उस लकड़ी में दीमक उमक कुछ नहीं लगते, जिसके कारण वो लकड़ी सड़ती भी नहीं है। और इसीलिए आप सोचिए उस समय में कितना लोग दिमाग लगाए होंगे कि इस तरीके से ताजमहल बनाया जाए, और अभी तक ताजमहल बना हुआ है, टिका हुआ है। और अभी जो हम लोग बनाते हैं 10-20 साल चलेगा, भैया अल्लाह पुल गिर गया, लेकिन अभी तक ताजमहल पर एको खरोच नहीं आई है, लेकिन हालांकि अब आने लगे, क्योंकि हम ही लोग इतना प्रदूषण कर रहे हैं, कहूँ बाहर से कर रहे हैं, कहूँ अपने अंदर से प्रदूषण निकाल रहे, मतलब गाड़ी वाड़ी से निकाल रहे हैं, तो प्रदूषण कारण जो ताजमहल है उसको थोड़ा डैमेज हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हो कि ताजमहल के ऊपर से एरोप्लेन जाना मना है, क्योंकि जो एरोप्लेन होता है वो एक तो गंदी गैस छोड़ती है, जिसके कारण जो ताजमहल है उसको डिस्टर्ब यानी कि डैमेज हो सकता है ताजमहल, जिसके कारण ताजमहल के ऊपर से एरोप्लेन भी जाना मना है। और अब बात आती है, बहुत से लोग कहते हैं जो शाहजहाँ था उसने हथौड़ा कटवा दिया था मिस्त्री उस्त्री का जो ताजमहल बनाए थे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, शाहजहाँ ने किसी का हाथ नहीं कटवाया था, ये केवल एक अफवाह फैल गई है, क्योंकि साइंटिस्टों को अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि शाहजहाँ ने किसी का हाथ कटवाया हो। अगर किसी का हाथ कटवाया होता तो हड्डी उड्डी कहीं मिलती ही, और हाथ कटवाने का फ़ायदा जब अखिया राबे करेगी, क्योंकि अगर उनको ताजमहल दूसरा बनाना होता मिस्त्रियों को तो भैया अखिया तो थी बता देते हैं, हाँ ऐसे ऐसे करो बन जाएगा दूसरा ताजमहल, लेकिन किसी का भी हाथ नहीं कटवाया था शाहजहाँ ने, यह केवल एक अफवाह, क्योंकि साइंटिस्टों को ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन शाहजहाँ ने एक शर्त रखी थी, वो शर्त यह थी कि जितने भी मिस्त्री उस्त्री लोग थे जो बनाए थे कारीगर लोग ताजमहल को, उनसे एक शर्त यह रखी थी कि हम आपको जीवन भर तक सैलरी देते रहेंगे, शाहजहाँ ने मिस्त्रियों से कहा था, लेकिन आप कभी भी ऐसा दूसरा ताजमहल नहीं बनवाओगे। तो मिस्त्री ने कहा चलो ठीक है भैया, हमें तो फ्री में मिल रहा है अब, तो मिस्त्री भी खुश, शाहजहाँ भी खुश। तो जो शाहजहाँ था उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था इन मिस्त्री लोगों से कि आप लोग कभी भी ऐसा दूसरा ताजमहल कहीं नहीं बनाएंगे, बल्कि हम आपको सैलरी देते रहेंगे जीवन भर तक। तो मिस्त्रियों ने कहा चलो भैया हमें सैलरी मिल रही है, का झूठे बनाएंगे मेहनत करेंगे। तो इस तरीके से दोनों लोग में पटियाती हो गई कि अब आप ताजमहल नहीं बनाएंगे, हम आपको पैसे देते रहेंगे। तो इस तरीके से दूसरा ताजमहल कभी नहीं बना। और जैसा कि आप ताजमहल देखते होगे, जो ताजमहल का ये फ्रंट वाला है, ये फ्रंट नहीं है जो हम लोग देखते हैं, इसका फ्रंट बगल में है, क्योंकि जब ताजमहल बन रहा था तो कौनो आने ओने का रोड और चक्रो टकरोट था नहीं, तब जो शाहजहाँ थे वो लोग नदी पार करके आते थे, तो जब नदी पार करके वो लोग आते थे तो वही जो नदी के सामने वाला डोर है ना, वो है उसका फ्रंट डोर, क्योंकि वहीं से शाहजहाँ लोग आते थे, वो लोग उसको रास्ता बनाए थे, तो वहाँ पर उसका फ्रंट डोर बना है। और जो हम लोग देखते हैं वो पीछे वाला डोर है ताजमहल का। और जो ताजमहल के किनारे किनारे ये जो पिलर लगे हुए हैं, यह पिलर भी एक मकसद के लिए लगे हुए हैं, और यह पिलर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एकदम स्ट्रेट ऐसे नहीं खड़ा है, ये हल्का से इस तरीके से ये पिलर झुका हुआ है, और यह ताजमहल को और नहीं झुका हुआ है बल्कि यह बगल में झुका हुआ है, क्योंकि अगर भूकंप आए भी तो वह पिलर क्या करे, बगल में गिर जाए, ताजमहल के ऊपर ना गिरे। और यह पिलर इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि अगर भूकंप आता भी है तो यह जो पिलर है ये पहले ही भूकंप को सोख लेगा, जिसके कारण यह जो मेन बिल्डिंग है ताजमहल की उस पर कोई असर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से वो उस टाइम इतना दिमाग लगाकर बनाया गया था ताजमहल को। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ताजमहल के बारे में। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि आप ताजमहल का गिफ्ट हो ना तो ताजमहल के बारे में भी कुछ जान ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।